नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी मित्रों का एक बार फिर से चाणक्य नीति के एक और ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको चाणक्य नीति के अनुसार बताएंगे कि कौन से काम बेशर्म होकर करने से सफलता आपके कदम चूमती है। दोस्तों, यदि आप इन कामों को बेशर्म होकर कर लेंगे तो आप जीवन में बहुत जल्दी सफलता प्राप्त कर लेंगे और आप अपने जीवन में कामयाबी बहुत आसानी से प्राप्त कर लेंगे। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने जीवन के हर पहलू से संबंधित नीतियों का बहुत ही बेहतर तरीके से उल्लेख किया है। आचार्य चाणक्य की नीतियां प्राचीन समय में जितनी कारगर थी उतनी ही आज भी हैं, जिन पर अमल करके व्यक्ति खुशहाल जीवन यापन कर सकता है। दोस्तों, ये एक सामान्य सी बात है कि हर व्यक्ति के जीवन में सफलता और असफलता का दौर चलता रहता है, लेकिन अगर आप आचार्य चाणक्य की नीति का पालन करेंगे या स्वयं इन गुणों को पैदा करेंगे तो आप अपनी असफलता को सफलता में बदल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको आचार्य चाणक्य द्वारा बताई गई तीन ऐसी बातें बताएंगे जिनके मामले में अगर कोई इंसान बेशर्म बन जाए तो वो अपने जीवन में सफल हो सकता है। कौन सी है वो तीन बातें, आइए जानते हैं उनके बारे में। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और यदि आप रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, नंबर एक है भोजन करते समय। मित्रों, नीति शास्त्र के महान ज्ञाता आचार्य चाणक्य ने अपने नीति ज्ञान में यह भी बताया है कि जो इंसान भोजन करते समय लिहाज करता है यानी कि शर्म करता है तो वह अपने संपूर्ण जीवन काल में कुछ बड़ा नहीं हासिल कर पाता। ऐसा बताया जाता है कि इस तरह का व्यवहार रखने वाला इंसान अपने जीवन में ज्यादातर दुख और संकट से घिरा रहता है। दोस्तों, कहा जाता है कि जो इंसान खुद के भोजन के लिए इतना झिझकता है वो इंसान अपने साथ जुड़े अन्य लोगों के लिए भला क्या कर पाएगा। इसीलिए कभी भी खाना खाते वक्त शर्म नहीं करनी चाहिए। और मित्रों, नंबर दो है शिक्षा प्राप्त करते समय। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में शिक्षा प्राप्त करने में शर्म या लिहाज दिखाया वह हमेशा पीछे ही रहता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने में कभी भी किसी से शर्म नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि छात्र या छात्रा झिझक या शर्म की वजह से कोई बात ना समझ में आते हुए भी नहीं पूछते क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करने से उनकी बेइज्जती हो जाएगी। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि जो इंसान शिक्षा प्राप्त करने में शर्माता है वह अपने जीवन में कभी कोई अच्छी जगह प्राप्त नहीं कर पाता है। इसलिए दोस्तों, ज्ञान को प्राप्त करने में कभी भी शर्माना नहीं चाहिए। यदि कुछ समझ नहीं आ रहा तो उसे तत्काल अपने शिक्षक या ट्रेनर से पूछ लेना चाहिए। और मित्रों, नंबर तीन है उधार मांगते समय। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि उधार किसी भी व्यक्ति के जीवन में एक बहुत बड़े ग्रहण की तरह होता है क्योंकि एक बार उधार लेने के बाद यदि आप उसे चुकाने में सक्षम नहीं होते तो यह आपके लिए बड़ी समस्या बन जाता है। जैसा कि चाणक्य की नीति में बताया गया है, यदि आपको धन की बेहद आवश्यकता हो तो ऐसी स्थिति में आप किसी से उधार मांगने में बिल्कुल भी शर्म ना करें। मगर यहां पर इसके साथ आचार्य चाणक्य ने यह भी बताया है कि जिस तरह से आप अपनी जरूरत के वक्त उधार मांगते हैं उसी तरह आपका बुरा वक्त खत्म होते ही समय से पैसा लौटा भी देना चाहिए। आपको बता दें कि जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती रहती हैं और आमतौर पर ज्यादातर समस्याओं का हल धन ही होता है। इसीलिए यह भी बताया गया है कि यदि आप व्यापार करते हैं तो आपको कभी भी धन मांगने में शर्म नहीं करनी चाहिए, अन्यथा आप अपने जीवन में कभी भी तरक्की नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, यही है सफलता पाने के वो तीन रास्ते, इन पर चलकर आप अपने जीवन को बहुत ऊंचाइयों तक
ले जा सकते हैं और आप अपने जीवन में कामयाबी बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।